ये लीजिए चाय। सुहानी कहाँ जा रही हो बेटा? पापा वो बिरला हाउस जा रहे थे आंटी जी को देखने, सुबह से बात भी नहीं हुई है। तो बेटा हम थोड़ी देर में फोन करेंगे ना, और तुम्हारा वहाँ रिश्ता हुआ है, ऐसे बेधड़क जाना वहाँ ठीक नहीं है। मम्मी हमें पता है कि ऐसे जाना ठीक नहीं लगता, पर हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, बस एक बार देखना चाहते थे। लेकिन बेटा पापा आप बोलो ना। सुहानी ठीक कर ही लता जी, इसे जाना चाहिए, आखिर वो इसकी होने वाली सास है। एक काम करो बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, एक मिनट यहीं रुको, हम आते हैं। सौम्य और सुहानी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई एम श्योर कि सुहानी को तो सब कुछ पता ही होगा कि तुम उससे प्यार नहीं करते बल्कि सौम्या से प्यार करते हो। तो फिर उसने ये सारी रस्म क्यों की? तुम्हें नहीं लगता कि वो मौके का फायदा उठा रही हो? सुहानी से बात करनी ही होगी। युवराज रुको, तुम सुहानी के घर जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं बात करूंगी। तुमने सुहानी से बात की? बताया उसे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? मैं बताऊंगी ना उसे, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत वक्त दिया, पर आई एम सॉरी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। युवराज युवराज रुको, युवराज मेरी बात तो सुनो। सौम्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम खुद कुछ बताते हो ना, मुझे बताने दे रही हो। तुम उसे बता क्यों नहीं रही कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? मैं शादी नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो युवराज, चल पाती मैं बात और बिगड़ जाएगी। सौम्या मैं अब तक तुम्हारी ही सुन रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, मुझे आज इसी वक्त ही कंफ्यूजन क्लियर करनी है, और अब तुम भी मुझे रोक नहीं सकती। सौम्या really sorry Soumya, I युवराज प्लीज मेरी एक आखिरी बात सुन लो। इस वक्त सुहानी और उसके पेरेंट्स से कुछ भी बात करना सही नहीं होगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा। तो क्या करूं सौम्या, उनके बारे में सोचूं, अपने दुख को भूल जाऊं? देखो युवराज मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन प्लीज तुम अभी कुछ मत करना। मैं हूं ना, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सुहानी के पेरेंट्स अपने आप ये रिश्ता कैंसिल कर देंगे, और फिर ये रिश्ता टूटेगा पर किसी का दिल नहीं। ट्रस्ट मी, मैं बात करूंगी। कब करोगे सौम्या? मुझे अभी इसी वक्त इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। मैं जा रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें अपनी मॉम की परवाह भी नहीं है? अरे सुहानी बेटा चलें। हाँ पापा चले। चल जरा सोचो, अगर ये लोग तुम्हारी मॉम को ये बात बताएंगे तो उन्हें कितना बड़ा शॉक लगेगा। अंदर जो भी बातें करोगे तुम्हारी मॉम सुनेंगी तो उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सुहानी से बात करूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जरा एक मिनट।
रिश्तेदारी तो हो चुकी है वहाँ। समधी जी के घर कोई खाली हाथ जाता है भला? मैं थोड़ा दलिया बना लेती हूँ और बाजार से जाते हुए सेब और अमरुद लेते जाइएगा। एक मिनट, मैं भी समधन जी को देखने के लिए चलती हूँ। मैं दलिया बनाती हूँ, सुहानी डब्बे में भर देगी, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। जी माता। युवराज, इससे पहले कोई तुम्हें मेरे साथ कोई देख ले, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ठीक है सौम्या, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुप रहूंगा। प्लीज मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सुहानी से नहीं। ओके ओके, मैं सबसे बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो। मम्मी, इस केसर बादाम के दूध से बने दलिया से तो आंटी झट से ठीक हो जाएंगी। पागल कहीं की, कुछ भी बोलती है। अरे हाँ बेटा, तेरा कमरा सही कर दे, सब सामान फैला पड़ा है। ससुराल जाएगी तो यही सब करेगी क्या? आपने आदत बिगाड़ी है, कभी हमारे मन से तो कुछ सजाने नहीं देती। ठीक है, जा कर ले सच्ची। थैंक यू। क्या बात है प्रतिमा, तेरी तीसरी बहू ने आने से पहले ही तेरा बीपी हाई कर दिया। ताकि वो आए और उसे मेरी अच्छी सेवा करने का मौका मिले। बहू से अच्छे से सेवा करवाना और अपनी दवाई टाइम से लेती रहना। जरा से भी लापरवाही की ना तो देख लेना, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं दवाइयाँ लेती रहूंगी, अब तुम तो चाय पानी ले लो। शरद, जरा शाम को बोलो। जी मौसी। एक मिनट रुको, पहली बात उसका नाम श्याम नहीं रमेश है, और दूसरी बात मैं चाय पानी पी कर आई हूँ। आज मेडिकल कॉलेज जाना है, कोई जरूरी मीटिंग है। तुम अपना ध्यान रखना प्रतिमा, दवाइयाँ टाइम से लेती रहना। ठीक है डॉक्टर साहब। आंटी, अम्मा कैसी? युवराज, पहले से वो बेटर हैं, बट अभी भी उन्हें केयर की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए और कोई भी टेंशन वाली बात ना की जाए। उनका ध्यान रखना युवराज। बी केयरफुल। अब हो गया यकीन तुम्हें कि जो कहते थे सही कहते थे हम? युवराज बिरला के दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए कुछ था, जो पढ़ लिया था। मैं मानती हूँ कृष्णा, लेकिन मेरी तरफ से जानते हो कि हमारे यकीन के लिए सबसे खिलाफ होकर तुमने हमसे शादी कर ली। अब तो हम तुम पर शक भी नहीं कर सकते। पत्नी जो तुम हमारी, लेकिन यह भी सच है कि युवराज बिरला का तुमसे खुलेआम ऐसे बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर युवराज को ये सच पता चल गया ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती, तो वो सीधा सुहानी के पेरेंट्स के पास जाएगा और ये रिश्ता तोड़ देगा। और तुमने मेरी मॉम की बात तो सुनी ना, वो तो बिना सोचे समझे मेरा रिश्ता युवराज के साथ फिक्स कर देंगी। तो क्या करोगी तुम? अभी मेरे लिए चुप रहना ही ठीक होगा, वरना सुहानी का दिल टूट जाएगा। हम तुम्हें बस इतना बताने आए थे कि कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से हम लखनऊ जा रहे हैं, हमारे वापस आने से पहले ये सब झमेला संभाल लो तुम प्लीज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।